मेरे ख्याल मैथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है वो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। इसकी प्रूविंग आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड्स और न्यूटन बैकवर्ड्स की प्रूविंग और उस पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अगर सेशन ले रहे हैं, तो अगर आपको न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप पहले प्रीवियस के सारे वीडियोज़ को आप देख लें। आज ये फार्मूले को जैसा कि हमने लिखा है, पी बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, यहाँ पे आप समझाएंगे कि एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को पी किस तरीके से इवेल्यूएट किया गया, और फार्मूला आपके सामने है वाई पी बराबर वाई नॉट पी डेल्टा वाई नॉट पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन। इस फार्मूले को हमें प्रूव करना है। आगे वाले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फार्मूले को कैसे प्रूव किया गया ये देखेंगे। फार्मूले को एक बार नोट कर लें जिससे कि आपको फार्मूला याद रहे। न्यूमेरिकल मेथड्स में बहुत सारे इंटरपोलेशंस के फार्मूले दिए गए हैं। इंटरपोलेशन का मतलब होता है, बताया गया कि अगर आप कोई इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना, मतलब इंटरपोलेट करना, वैल्यू को इवेल्यूएट करना, इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब जो वैल्यू दी गई हो उनकी हेल्प से। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशंस के न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग फार्मूलेज हैं। उनकी अलग अलग कंडीशंस की वजह से अलग अलग फार्मूले डिराइव किए गए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चंस को देख के कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा। तो फॉरवर्ड में बताएंगे कि क्यों ऐसा लगाया गया और ये फार्मूला क्यों आया। बोर्ड पर आप ध्यान दें, जैसा कि बताया गया कि इस फार्मूले को हमें प्रूव करना है, जो हम यहाँ पे बॉक्स में ले जा रहे हैं, इस वाले फार्मूले को हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे हमने लिखा है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है, आप इसको ध्यान दें, ये हमने प्रूव किया था। करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले इनिशियली में जब भी आप न्यूटन गॉस फॉरवर्ड जब भी आपको प्रूव करना हो तो आप न्यूटन फॉरवर्ड को पहले लेंगे, उसी की हेल्प से आगे जाके आप कुछ चेंजेस करके आप गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में ले आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी बताया गया था, जब आप को कोई एक्स और वाई इनपुट दिए गए हो, आउटपुट दिए गए हो, लाइक इंटरपोलेशंस के लिए बताया गया था कि अगर शुरुआत से आपको जाना है इंटरपोलेशन करना जो टेबल के शुरुआत से मैच कर रहा है, तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे। टेबल के नीचे से मैच कर रहा है तो बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे। आप टेबल के बीच में गई हैं तो सबसे ज़्यादा फिट गॉस फॉरवर्ड या गॉस डिफरेंस पड़ता है। इसीलिए बीच की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको कोई आउटपुट निकालना है तो वहाँ पर हम लोग सेंट्रल डिफरेंस मतलब बीच से लेके और इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ऊपर और नीचे ना जाके बीच वाले फार्मूले को, बीच वाली वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना होगा तो हम लोग फॉरवर्ड गॉस फॉरवर्ड या गॉस बैकवर्ड निकालेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस फार्मूले को हमने कंसिडर किया है, इसी में ही चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक टेबल कंसीडर की है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जैसा कि बताया जाता है, जितने आर्गूमेंट लेते हैं मतलब जितनी वैल्यूज लेते हैं, तो यहाँ सेवन वैल्यूज ली हैं तो डेल्टा की पावर सिक्स वाई तक जाएगा, यानी कि एन प्लस वन वैल्यूज लेंगे तो डेल्टा की पावर एन वाई तक जाएगा टेबल। तो यहाँ पर टेबल दिखाई गई है, डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा पता ही आपको, डेल्टा एफ एक्स अगर करते थे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी नेक्स्ट वैल्यू से पहले वाली वैल्यू यानी उस वैल्यू को घटाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे वैल्यूज़ दिए गए हैं, इन वैल्यूज़ को तो डेल्टा यहाँ पे जैसे बोला गया डेल्टा वाई माइनस थ्री, तो कहने का मतलब इससे ये घटाया गया है, इस वाली वैल्यू से ये घटाया गया, इस वाला निकालने के लिए ये वाली वैल्यू ये घटाएगा, तो ऐसे आगे जाके चलेंगे। जैसे ये वाली वैल्यू निकाली गई है तो इस वाली वैल्यू को इससे घटाया गया है, कहने का मतलब इसको लिखते हैं डेल्टा की पावर सिक्स वाई माइनस थ्री, तो इस वाली वैल्यू को डेल्टा की पावर फाइव वाई माइनस टू से डेल्टा की पावर फाइव वाई माइनस थ्री, ये इसको इस इन दोनों को डिफरेंस यहाँ लिखा गया। तो जब आप फार्मूला देखेंगे जो हमारा हमने कंसीडर किया है, फार्मूला जो कंसीडर किया है न्यूटन फॉरवर्ड्स, उसमें ध्यान दें और हमें जो लाना है, तो देखिए हमने डेल्टा की पावर थ्री वाई माइनस वन को डेल्टा की पावर थ्री वाई माइनस वन यहाँ पे है, इसको ध्यान दें तो इससे ही घटा हुआ है, तो लिखा है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस
डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, क्यों किया है? डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट बराबर क्या जाएगा, डेल्टा पावर थ्री वाई माइनस वन, और ये इधर चला गया। तो ये वाला हमें, यानी कि पहले वाले स्टेप में, पहले इस वाले स्टेप में जैसे वाई पी फॉर्मूला प्रूव करना था, वाई पी तो वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट और प्लस पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। तो अब डेल्टा स्क्वायर न्यूटन फॉरवर्ड में, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। ऐसे आगे भी आगे कंसीडर करते जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड्स किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन गॉस फॉरवर्ड में, ठीक है। तो अब ये टेबल कंसीडर कर लें, देख लें, इसको समझ लें, आगे जाकर हम लोग इस वाले चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो बताएंगे इस टेबल में ऐसा दिख रहा होगा तो आपको उसको ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमने दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं जो हमें प्रूव करना है, गॉस फॉरवर्ड और जो हमें जिसकी हेल्प से प्रूव करना है, वो दोनों फार्मूले इसलिए लिखे हैं कि हमें करना क्या एग्जैक्टली, बच्चा जब भी फार्मूला याद करता है, लर्न करता है, या वो करने की कोशिश करता है, वो समझ नहीं पाता ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो किताब और हमें डिफरेंस नहीं रहेगा, तो बच्चा यहाँ पर भी कन्फ्यूज होगा, आप भी यहाँ पर कन्फ्यूज होगे। तो हमें ये बताना होगा कि आप को जब प्रूविंग में या कभी भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो यहाँ पर वो स्टेप्स क्यों लेने हैं, वो स्टेप्स क्यों फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम फॉरवर्ड्स को ले रहे हैं तो देखिए डेल्टा वाई नॉट, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट, ये वाली वैल्यू यूज़ करी गई। अब बैकवर्ड में देखें, मतलब एक जो पहली पहली बार जो प्रेडिक्शन होता है, तो चेंजेस हमें सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़े, डेल्टा वाई नॉट। देखिए पहला स्टेप और दूसरा स्टेप बिल्कुल समान है, ये दोनों स्टेप में कोई चेंजेस नहीं रहे, दोनों चीज़ें समान हुई। ये वाली यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की जगह क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन लिया गया, और डेल्टा क्यू वाई नॉट की जगह क्या लिख दिख रहा है आपको, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन। तो किसी तरीके से हमें इनकी जगह या इनकी वैल्यू निकाल कर ऐसे रिप्लेस करना होगा। तो इसीलिए हमने टेबल जो दिखाई थी उसमें हमने देखा था कि डेल्टा क्यू वाई माइनस वन, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन बराबर होगा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, ठीक है। तो इसको जब हमने डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट क्यों निकाला गया, क्यों हमें यहाँ रखना है, क्या यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस वन। अब अगर ऐसे ही देखे ऑब्जर्व करिए, इसी को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू वाई माइनस वन किया था तो इससे कम डेल्टा स्क्वायर पे गए, वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई, तो वाई डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस वन करेंगे तो इससे कम डेल्टा क्यू पे जाएंगे, पहले ये वाई नॉट इससे एक ज़्यादा वाई नॉट माइनस उसी पर, अगर डेल्टा की पावर फाइव वाई माइनस कम करेंगे तो उससे कम डेल्टा की पावर फोर वाई नॉट माइनस डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस वन, अगर डेल्टा की पावर एन वाई माइनस आर करेंगे, देखिए उससे कम तो डेल्टा की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और वाई नॉट मतलब इससे हमने क्या किया, बढ़ाया है, तो वाई आर प्लस वन माइनस, फिर देखो ये कम वही किया डेल्टा की पावर, डेल्टा की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर वही रखा है तो वाई माइनस आर, ठीक है। इस तरह के जनरल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंस टेबल देखेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। जब इसका ये वैल्यू निकालेंगे तो उससे पहले वाली वैल्यू, मतलब ये इससे एक आगे वाली, इसकी मतलब ये वाली वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये वाली टेबल आगे वाली टेबल कॉलम होगा उसके पीछे जाएंगे तो ये वैल्यू नीचे होगी, उससे इसको घटा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि डेल्टा की पावर वाई एन वाई आर निकाल रहे हैं टेबल में तो आपको एक यहाँ वैल्यू दिखाई पड़ेगी एन माइनस वन वाई माइनस आर प्लस वन, एक वैल्यू दिखाई पड़ी डेल्टा की पावर एन माइनस वन वाई माइनस आर। तो आप इन दोनों घटाओगे, इससे इसको घटाओगे तो ये आएगी, ठीक है, ये टेबल में दिखाया गया था। अब हमने क्या किया, इनसे देखो एक पैटर्न बना लिया, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट निकाला तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू वाई माइनस वन, डेल्टा क्यू वाई वाई नॉट देखिए डेल्टा की पावर फोर वाई माइनस वन और डेल्टा पावर थ्री वाई माइनस वन, और डेल्टा की पावर फोर वाई नॉट देखिए, देखिए ऑब्जर्व करिए, तो अगर डेल्टा क्यूब निकाल ले तो उससे एक ज़्यादा, तो डेल्टा पावर फोर निकाले उससे ज़्यादा डेल्टा पावर फाइव, और यहाँ डेल्टा फोर वाई माइनस वन वाई माइनस वन, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की पावर एन, डेल्टा पावर एन वाई नॉट या वाई आर निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, उससे ज़्यादा डेल्टा की पावर क्या एन प्लस वन, और वाई माइनस वन मतलब इससे कम तो वाई आर माइनस वन, और फिर यहाँ पर एक तो हमने क्या किया इससे ज़्यादा बढ़ा है, एक वही लिया डेल्टा पावर एन वाई देखो आर माइनस वन, ओके।
इस तरीके से फार्मूला हमने जनरेट किया। तो सेंट्रल डिफरेंस में, फॉरवर्ड डिफरेंस की जो टेबल में हमने इतने सारे फार्मूले को प्रेडिक्शन किया, अभी सीधे सीधे क्या करेंगे, डेल्टा की पावर वाई नॉट यहाँ रखेंगे, डेल्टा की पावर वाई थ्री यहाँ रख देंगे, डेल्टा पावर वाई फोर यहाँ रख देंगे आगे, ठीक है। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे वो फार्मूला मिलने वाला, मतलब बिल्कुल प्रूफ कर चुके हैं, बार रखना है और सॉल्व करना है, आगे वाले स्टेप में आपको दिखाएंगे और फार्मूला प्रूफ होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो इस फार्मूला देखिए कि यहाँ पर ये वाला स्टेप वही रहा, ये स्टेप वही रहा, इस स्टेप में देखिए ये वाला फार्मूला जो हमने डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट को पीछे दिखाया है उसकी जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं इसी फार्मूले में, और यहाँ पर डेल्टा क्यू वाई नॉट की जगह भी रिप्लेस कर रहे हैं, आगे जाके फर्दर ऐसा भी कर सकते हैं, डेल्टा की पावर फोर वाई नॉट होगा वहाँ पर भी आगे रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए ये वाले की जगह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आ गया। यहाँ पर देखिए इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाया गया, ठीक है। और इसको ये पूरे स्टेप को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाया गया, इस पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाया गया। फर्दर ऐसे आगे बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ जाएगा, बढ़ाएँ। और हमने बोला कि एक शुरुआत में कैसा हो रहा है इससे वो दिखाए जा रहे हैं, बाकी आप आगे जाके उसको फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही आ गया। अब देखिए डेल्टा की पावर थ्री वाई माइनस वन और डेल्टा की पावर थ्री वाई माइनस वन, इनको इनको कॉमन ले लिया गया, इनको इनको एक साथ रख दिया गया और ये आगे ऐसे दिखाए गए स्टेप्स। यहाँ पे ऐसे जाके सिंपल बात यहाँ दिखाया गया कि पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, इससे इससे कॉमन मिल रहा है अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ पर थ्री इंटू फैक्टोरियल टू हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ वन बचा और यहाँ पी माइनस टू बाई थ्री डेल्टा क्यू बाई माइनस वन। आगे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बस सिमिलरली हम लोग कर देंगे आगे कैसा हो रहा है। अब देखिए ये चीज़ तो ऐसी आ जाएगी, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, यहाँ पर के देखिए क्या होगा, पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे थ्री आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, थ्री और पी माइनस टू तो पी प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा और डेल्टा क्यू वाई माइनस वन। अब देखिए ये आ जाए पी पी माइनस वन पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ऐसे आगे जाके जाए तो फार्मूला कैसे, यहाँ डेल्टा की पावर स्क्वायर बाई माइनस वन डेल्टा क्यू बाई माइनस वन या प्लस कैसे हो गया, तो फॉरवर्ड गॉस फॉरवर्ड में कैसे चेंज हुआ, इत्मीनान से आपको दिखाया, यही आपकी प्रूविंग थी। जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड आप पढ़ें, न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन सब लगा रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि प्रूविंग किस तरीके से करनी है, फंक्शंस कैसे मान के रखने हैं, और न्यूटन फॉरवर्ड्स न्यूटन बैकवर्ड गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड स्टर्लिंग फार्मूले, ये सारे फार्मूलों में अंतर कहाँ पर, क्योंकि इंटरपोलेशन हर जगह आएगा। तो आप क्वेश्चन से ये ध्यान रखिए, जब भी इंटरपोलेशन दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक टेबल आपको दी गई है, यहाँ पर, यहाँ पर ईयर दिए गए हैं और वैल्यूज दी गई है 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, ऐसे वैल्यू 2000, 3000, 10000, 5000, 8000। सबसे पहली बात है देखिए ईयर में जो एक्स दिया गया है उस ईयर में अंतर समान है, इक्वल इंटरवल है, 10-10 ईयर का अंतर है, यानी कि जो भी फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड फार्मूला लगेगा तो वो इक्वल इंटरवल्स के लिए लगेगा। तो आपको पता ही है कि इक्वल इंटरवल्स के लिए न्यूटन बैकवर्ड इंटर न्यूटन फॉरवर्ड आता है, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए गॉस फॉरवर्ड और स्टर्लिंग आए। तो सबसे पहले इक्वल इंटरवल्स के लिए लगा। दूसरी बात, अगर आपको इंटरपोलेशन एट एक्स बराबर 1935 इस ईयर में करना है, तो देखिए टेबल के शुरुआत से एक टेबल के अंत से, तो टेबल के शुरुआत से पास में है कि 1935 पास में होगा, तो इसी को एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो वहाँ पर हमने पी बराबर जो बोला था एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो एच तो साइज हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा और एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू। अगर इंटरपोलेशन करना होता हमें 1963 पर, तो देखिए टेबल के लास्ट से है ये, तो टेबल के लास्ट से है तो ये बैकवर्ड लगाएंगे। अगर बीच में कहीं ऐसा होता 1955, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीच में है टेबल के बीच में है, तो हम लोग गॉस फॉरवर्ड या गॉस बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। अगर 20 से आगे बढ़ना है तो फॉरवर्ड, 20 से पीछे आना तो बैकवर्ड। तो फार्मूले क्यों लगाए जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी फार्मूला प्रूव भी नहीं करना होगा, क्वेश्चन अगर दिए गए तो क्वेश्चन से आप आइडेंटिफाई आपको करना होगा
कि कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए, इसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन ज़रूर लगा लें, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाएगा इंटरपोलेट करिए, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है, न्यूटन बैकवर्ड लगाना है, या गॉस फॉरवर्ड या गॉस बैकवर्ड लगाना है। तो आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और ज़रूर यहाँ पर लिखें कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, या इसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं। मावला क्लासेस के बहुत सारे और वीडियोज़ न्यूमेरिकल मेथड्स पे अपलोड किए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी समस्या है, कोई भी समस्या है, तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद सारे बच्चों को, सारे बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे।